हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। मैं उपस्थित हूँ बिंदु गुप्ता। समस्तीपुर में उप मुखिया ने की युवक की हत्या, प्रतिशोध में आरोपित की पत्नी को मौत के घाट उतारा। समस्तीपुर के आधारपुर पंचायत के उप मुखिया ने सोमवार की सुबह एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रतिशोध में मृतक के स्वजनों ने आरोपित के घर पर हमला कर दिया था, साथ ही उनकी पत्नी, भतीजे और चाचा की बुरी तरह पिटाई कर दी, जिससे उनकी पत्नी की मौत हो गई। मुसलसिल थाना के आधारपुर पंचायत के उप मुखिया मोहम्मद हसनैन ने सोमवार की सुबह पलरू भगत के 30 वर्षीय पुत्र श्रवण कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के प्रतिशोध में श्रवण के स्वजनों और ग्रामीणों ने एक साथ आरोपित मुखिया के घर और ग्राहक सेवा केंद्र पर हमला कर दिया, पूरे घर को आग के हवाले कर दिया, साथ ही उनकी पत्नी, भतीजे और चाचा की बुरी तरह पिटाई कर दी। कुछ देर के अंतराल में पत्नी 35 वर्षीय सन्नौर खातून की भी मौत हो गई। इस घटना के बाद से आधारपुर और आसपास के इलाके में भयानक तनाव है। पुलिस वहां कैंप कर रही है। लोग श्रवण के शव के साथ सड़क पर जाम कर चुके हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मोहम्मद हसनैन आधारपुर पंचायत का उप मुखिया है। गांव के खादी भंडार चौक पर ग्राहक सेवा केंद्र के संचालन के साथ जमीनी कारोबार का भी काम करता है। उसके साथ ही श्रवण कुमार भी काम करता था। कुछ दिनों से दोनों के बीच इसी कारोबार को लेकर तानातानी थी। सोमवार की सुबह दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। इसी पर हसनैन ने श्रवण को गोली मार दी। घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इसी बीच आक्रोशित लोगों ने हसनैन के घर पर हमला कर उसके ग्राहक सेवा केंद्र के ऑफिस, घर व कार को आग के हवाले कर दिया। उसमें रखे सभी सामान जलकर खाक हो गए। साथ ही उसके 60 वर्षीय चाचा नूर आलम, शिक्षिका पत्नी 35 वर्षीय सन्नौर आलम एवं भतीजा मोहम्मद अनवर की बुरी तरह पिटाई कर दी। घटना स्थल पर शिक्षिका पत्नी की मौत भी हो गई। वहीं भतीजे मोहम्मद तमन्ने को गंभीर हालत में DMHCH रेफर कर दिया गया है, जबकि चाचा नूर आलम का इलाज जारी है। घटना स्थल पर जिला अधिकारी शशांक शुभांकर समेत तमाम वरीय अधिकारी पहुंच चुके हैं।